Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor Praveen Thakur. आज जिस महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो MCM DAV कॉलेज कांगड़ा से संबंधित है. MCM DAV कॉलेज कांगड़ा जो है इसने एडमिशन नोटिस जारी किया है. जो PG कोर्सेज़ यहाँ पर है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस के लिए कोर्सेज़ है, सेशन 2022-23 के लिए अगर कोई भी विद्यार्थी जो है इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहता है तो वो जो है ऑफलाइन एडमिशन जो है यहाँ पर होने जा रहे हैं 2022-23 के लिए. ऑफलाइन एडमिशन में आपने क्या करना है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा. वीडियो में अंत तक बने रहें. यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो MCM DAV कॉलेज में जो PG के कोर्सेज़ है, MSc फिजिक्स यहाँ पर कर सकते हैं, कितनी सीट्स है वो मैं आपको बताऊँगा. इसके अलावा MSc मैथमेटिक्स, MSc केमिस्ट्री, MCOM, MSc बॉटनी, MA इंग्लिश, MSc जूलॉजी और PGDCA आप यहां से कर सकते हैं. इसके अलावा आप BA BSc भी यहां से कर सकते हैं. BA BSc के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं. तो इन सभी कोर्सेज़ में, MSc के कोर्सेज़ में, इन सभी MCOM, MA इंग्लिश, इन सभी कोर्सेज़ में जो आपने HPU का एंट्रेंस दिया है उसके स्कोर के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा. ठीक है, तो ये एडमिशन नोटिस निकाला गया है MCM DAV कॉलेज कांगड़ा के द्वारा. किसके लिए? PG कोर्सेज़ के लिए, कि हमारे पास जो है MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, MSc मैथमेटिक्स, MCOM और MA इंग्लिश और PGDCA के कोर्सेज़ हैं. ठीक है, तो इन सभी कोर्सेज़ में जो एडमिशन दिया जाएगा वो HPU के द्वारा जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया है उसके तहत ही जो है आपको एडमिशन दिया जाएगा. तो एडमिशन शेड्यूल क्या है, प्रोस्पेक्टस आप जो है कॉलेज के ऑफिस से खरीद लें और उसमें जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया है उसको आप फिल कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरा तरीका भी है. इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म का PDF दिया है, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रिंट करके जो है क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आप प्रिंट कर लें और प्रिंट करने के बाद आपने जो है उसमें जो है ड्राफ्ट लगाना है. कितने का? 250 रुपये का ड्राफ्ट लगाना है. किसके नाम से? द प्रिंसिपल MCM DAV कॉलेज कांगड़ा. किसी भी कॉलेज, किसी भी बैंक में जाकर आप 250 रुपये का ड्राफ्ट बनाएंगी प्रिंसिपल MCM DAV कॉलेज कांगड़ा के नाम से और फिर आप बाय पोस्ट जो है टू द प्रिंसिपल MCM DAV कॉलेज कांगड़ा को भेजें. और जो डेट ऑफ काउंसलिंग है, आपको जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा बाद में लेटर स्टेजेस में. कॉलेज की वेबसाइट पर आपको जो है नोटिस डाला जाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट को. इसके अलावा अगर आपने जो है इनसे इन्फॉर्मेशन गेन करनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ये नंबर है, ये जो है मेल ID है कॉलेज की. ठीक है, तो कितनी कितनी सीट्स जो है, कौन से यहाँ पर जो है BA भी अवेलेबल है. अगर आप BA करना चाहते हैं MCM DAV कॉलेज से तो आप कर सकते हैं. BSc भी यहाँ पर अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं. इसके अलावा BCOM भी अवेलेबल है. तो MSc में कौन से कोर्सेज़ में कितनी सीट्स है? MSc केमिस्ट्री में यहाँ पर जो है आपको 40 सीट्स मिलेगी MCM DAV कॉलेज कांगड़ा में. MSc फिजिक्स में यहाँ पर 40 सीट्स है. MSc बॉटनी में है आपके पास 25 सीट्स है. MSc जूलॉजी में 25 सीट्स है. MSc मैथमेटिक्स में यहाँ पर 30 सीट्स है. MCOM में यहाँ पर 30 सीट्स है. MA इंग्लिश में यहाँ पर 40 सीट्स आपको देखने को मिलेगी. तो MCM DAV कॉलेज कांगड़ा यह हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो है प्राइवेट कॉलेज है. तो ये रहा सीट्स का ब्यौरा. अब स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले आपने क्या करना है, या तो आप कॉलेज के ऑफिस में जाकर जो है प्रोस्पेक्टस ले लें, उसमें जो फॉर्म है उसको फिल करें और उसके साथ जो है 250 रुपये का ड्राफ्ट लगा लें, कॉलेज में जो है जमा करें, या आप जो है इस लिंक पर जाकर, जो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, इस वीडियो लिंक में जाकर आप फॉर्म को डाउनलोड करें. ठीक है, फॉर्म कैसा है, फॉर्म मैं आपको बताता हूँ. इस फॉर्म को आपने फिल करना, ये है MCM DAV कॉलेज कांगड़ा का फॉर्म. ऐसा फॉर्म आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है. यहाँ पर आपने अपना फोटो लगाना है, यहाँ पर आपने जो है अमाउंट जो है लिखना है. ठीक है, ये ऑफिस यूज के लिए इसको आपने नहीं भरना है. तो जो आपके भरने की फील्ड है वो ये है. सबसे पहले सब्जेक्ट, मान लो आप जो है MSc केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MSc केमिस्ट्री आपने यहाँ पर जो है करना है. रोल नंबर अभी आपको नहीं मिला है, अपना नाम देना है, पिताजी का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी. ठीक है, मेल फीमेल जो है आपने, परमानेंट एड्रेस बताना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे. साथ में जो है फादर जो है क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन, लीगल गार्डियन कौन कौन से, कैटेगरी क्या है, आधार कार्ड, नेशनैलिटी. ठीक है, और अगर आप हॉस्टल ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल है. अगर आप हॉस्टल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये. इसके अलावा आपने जो है मैट्रिकुलेशन में कितने नंबर लिए, कौन से बोर्ड से किया है, +2, BA BSc BCOM. अगर अभी आपका UG का रिजल्ट नहीं आया है तो BA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का आप यहां पर जो है मार्कशीट लगा सकते हैं. जैसे ही फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा तो जब आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में बुलाया जाएगा तो तब आप जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स जो है ये आएगा, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स आप करवाएं. इसके अलावा
सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर होगा, पेरेंट्स सिग्नेचर आप यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है। इसी तरीके के साथ जो है ये जो है आपके लिए नहीं है, ये रिकमेंडेशन ऑफ प्रोफेसर इंचार्ज एडमिशन के लिए हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या लगाने हैं ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले आपने कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगाना है, कॉपी ऑफ ट्वेल्थ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ बी ए बी एस सी, अगर यू जी का रिजल्ट नहीं आया तो बी ए फर्स्ट और सेकेंड के लगा लें, कॉपी ऑफ कॉलेज लिविंग, तो जो आपका जो है लास्ट कॉलेज जो आपने अटेंड किया है उसका जो है करेक्टर सर्टिफिकेट आपने लगाना है यहाँ पर, ठीक है। लिविंग सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट आपने लगाना है, वन कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट फोटो, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ एग्जाम कंडक्टेड बाय एच पी यू, ठीक है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ एस सी एस टी, और ये डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स को लगा के आपने करना क्या है, जब आपने जो है ये सारे के सारे कॉलम फिल कर दिए हैं एक नंबर पर, आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है डाल दी है, अब आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, टेंथ प्लस टू बी ए बी एस सी बी कॉम, और कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगाना है, स्कूल सर्टिफिकेट। तो इसके बाद आपने क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक में जाकर बनाना है 250 रुपये का, किसके नाम से, टू द प्रिंसिपल एम सी एम डी ए वी कॉलेज कांगड़ा, जिसका पिन कोड है जो है 176 जो है 001, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आपने फिर जो है उस जो है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म लिया है उसके साथ डॉक्यूमेंट लगा के आपने इस एड्रेस पर भेज देना है, टू द प्रिंसिपल एम सी एम डी ए वी कॉलेज कांगड़ा, ठीक है, इस एड्रेस पर आपने भेज देना है। तो ये मैंने वो आपको जो है एडमिशन फॉर्म बताया, इसको आपने फिल करना है, तो आपने एम सी एम डी ए वी कॉलेज को भरना है। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करनी है तो आप एम सी एम डी ए वी कॉलेज कांगड़ा को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल की जो है सुविधा है, बॉयज़ हॉस्टल आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये है ईमेल आईडी जहाँ से आप विभिन्न टाइप की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।